प्रिय भाई एवं बहनों, आप सबों को यीशु सहाय। आज हम सबों के लिए है पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 18 प्रभार है और आज का विषय है यद्यपि हमें परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है तथापि परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सब तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं और विशेष करके तो हम सबों को आज की इस आराधना में इकट्ठा किया है कि हम तेरी स्तुति महिमा धन्यवाद कर सकें। पिता परमेश्वर, विशेष करके तू रात भर हम सबों की रक्षा रखवाली की है और आज तक हम सबों को संभाले रखा है सभी बातों के लिए और तेरे सब आशयों के लिए तुझको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में तू हम सबों के साथ हो ले और अपनी पुत्रात्मा की अगुवाई और सहायता हम सबों को प्रत्येक को एक एक को दे ताकि हम योग रीति से तेरे पुत्र नाम की महिमा करने पाएं और हम हमारे सब अपराधों को तू ही क्षमा कर जो हम सब ने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध अपने साथियों के विरोध भी दोष अपराध किए हैं तो उन सभी अपराधों को तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट के नाम से हम सबों को क्षमा प्रदान कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन।
आइए हम कलेक्टिव प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने लोगों की कमजोरियों को जानता है कि वे तेरे अनुग्रह की सहायता के बिना स्थिर खड़े नहीं रह सकते। हम प्रार्थना करते हैं कि दया करके हमें ऐसी शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर कि हम सब विपत्तियों और परीक्षाओं में संभाले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है, आमीन। आइए हम सब अपने डायसिस और पास्टर के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दास दासियों की प्रार्थनाओं को सुन और इस नपुर डायकिस और जितने भी पास्टरेट हैं उनको तू जो कुछ भी उनकी आवश्यकता आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियाँ तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएँ। सेवक जो तेरे दाग की बारी के इस भाग में काम करें। उपासना लाएँ जिनमें पवित्रता की शोभा रहे। विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर। बालकों की रक्षा और अगुवाई कर। बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर। मरते हुओं को शांति दे। दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर। निश्चिंतों को जगा। गिरे हुओं को उठा। पश्चातापियों को संभाल। अविश्वासियों को अपनी ओर खींच। अपने सत्य की वृद्धि में सब विघ्न दूर कर और यावर दे कि हम सब एक चित्त और एक मन से तेरे पवित्र कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें ताकि तेरे पवित्र नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया। अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। और यह वर दे कि इस भारत देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। मारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। पाप अंगीकार। प्रियो, मारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। आइए हम सब अपने अपने पापों को स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए और उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर। हाव यावर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें ताकि तेरे पुत्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे और आप सबों के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे और सभी भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का पहला पाठ वचन ठहराया गया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 13:1-5 पद तक। आज का पहला पाठ वचन ठहराया गया है व्यवस्था विवरण
की पुस्तक उसके 13:1-5 पद तक। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न दिखाने वाला प्रकट होकर तुझसे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराया वह तुझसे कहे, आओ हम पराय देवता के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न दिखाने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना, और ऐसे भविष्यद्वक्ता या स्वप्न दिखाने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दस्तों के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाएगा। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दूसरा ठहराया गया पाठ वचन 1 कुरिन्थियों 8:1-9। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन 1 कुरिन्थियों 8:1-9। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानते हैं। मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यह दीपी आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसके और से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह जानना ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारे या स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुओं खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरा ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुँचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए,
तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सब के साथ रहे और तेरे आत्मा के साथ भी। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18 अध्याय और उसके 10 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा होए। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18 अध्याय और उसके 10 पद से 14 पद तक। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है या इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हों। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति होए। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्रात्मा के नाम में आमीन। आज पेंतिकोस्ट पर्व के पश्चात 18वां प्रभुवार है और आज का विषय है हम लोगों के लिए, जो भी हमें परीक्षा का सामना करना पड़ता है तो भी परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब प्राणी बचाए जाएं। आइए हम सब
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 का 14 पद पर ध्यान मनन करेंगे। इसमें लिखा है, ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है या इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। ऐसे ही तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है या इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। प्रभु में प्रियो, आज हम इस खंड पर विशेष रूप से पाप क्षमा के विषय पाते हैं। प्रभु यीशु अपने समय में परमेश्वर के कामों में शायद ही वह व्यस्त रहा होगा। उसकी समय श्रेणी अति व्यस्त थी और समय भी कम था। उसकी प्रसिद्धि तेजी से फैली और भीड़ उसके पीछे रहती थी, लेकिन उसका प्यार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान था। उसने हर एक व्यक्ति को प्यार करता है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के महानतम कार्यों में से अपराधियों को क्षमा का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने कई दृष्टांतों में और उसके द्वारा पाप क्षमा एवं उदार देने का हृदय स्पर्शी वर्णन हम पाते हैं। जैसे खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, उड़ाओ पुत्र की कहानी का दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु ने दिया है। इस दृष्टांतों में खोए हुए भेड़, खोए हुए लड़के के मिल जाने पर वह अपार खुशी का जिक्र करता है, जो परमेश्वर के प्रेम तथा क्षमा को दिखलाता है। मनुष्य का पाप में खो जाना या मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, परंतु पश्चाताप एक जरिया है, एक रास्ता है, जिसके द्वारा खोया हुआ जन परमेश्वर के पास आ सकता है। पौलुस प्रेरित हमें कहता है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। मनुष्य दोषी ठहर चुका था। हम सभी जानते हैं कि आदम की वाटिका में आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जिसके कारण उनको आदम की वाटिका से निकाल दिया गया। पौलुस प्रेरित रोम निवासियों को वह लिखता है, रोमी उसके 3:23 में, कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जैसे यह नबी भी कहता है उसके जैसे यह 53:6 में, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं, पर हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम मनुष्य जातियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा की आशा दी गई है। परमेश्वर प्रभु यीशु को दुख सहने वाले भेड़ के रूप में हमारे सामने रखता है। उसने सब तरह की निंदा और दुख हमारे पापों की क्षमा के निमित्त ही सह लिया।
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम सबसे पहले योना उसके एक अध्याय और उसके 8-9 में आगे कहता है कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। पहला जोहन्ना 2 अध्याय और 1-2 पद, इसमें लिखता है कि पाप के बोझ से दबे हुए लोगों को परमेश्वर किस प्रकार निमंत्रण देता है। मत्ती 11:28 में लिखा है कि हे सब परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। योहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर हम पहले योहन्न 4:9 में पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। पौलुस का बात भी मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। अभी हम सब ने सुसमाचार वचन में सौ भेड़ों की चर्चा सुने कि एक मनुष्य के पास 100 भेड़ें थीं, उनमें से एक खो गया तो उस मनुष्य के पास 99 भेड़ें बच गए और उन भेड़ों को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल नहीं जाता है तब तक वह भेड़ को खोजता रहता है, और जब वह भेड़ मिल जाती है तो आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके वह आनंद मनाने लगता है। या हम सबों के लिए है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में भी हम सब भेड़ बकरियों को पालते हैं, हम उनकी निगरानी करते हैं, दुख में, सुख में, भूख में, प्यास में, संकट विपत्ति में भी। इसी प्रकार से हम सब इसके बारे में व्यावहारिक जीवन में हम यह अनुभव करते हैं कि खोई हुई भेड़ों की चिंता हम क्यों ना करें, क्योंकि उसकी भेड़ मिल गई है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने लोगों से इतना प्रेम करता है कि एक को भी वह खोना नहीं चाहता है। खोए हुओं को ढूंढने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को भेजा। खोई हुई वस्तु को पा जाने पर हम सब कितना अधिक आनंद करते हैं, हमें आनंद मिलता है। परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि हम उसके झुंड अर्थात कलीसिया से भटककर नाश हो जाएं, लेकिन अपने पापों से पश्चाताप करके उसके पास आएं। लौट आने का इनाम तो स्वर्ग में हमें मिलेगा,
वह इनाम है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यह हम सबों के लिए एक इनाम है। हमारा परमेश्वर खोई हुई आत्माओं को ढूंढने के लिए हर समय क्रियाशील है, इसलिए हम सबों को चाहिए कि प्रभु की भेड़शाला रूपी कलीसिया में ही हम रहें। प्रभु यीशु ख्रीष्ट अपने वचन में कहता है कि और भी भेड़ें हैं जो इस झुंड में या इस भेड़शाला में नहीं हैं, उनको भी लाना है। और हम अपने पापों से उधार मिल सके, खोए हुओं को आना चाहिए। उधार सिर्फ प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा ही मिल सकता है। वह कहता है यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 10:9 में लिखता है कि यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह पाप क्षमा और उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु न केवल अपने निज लोगों को बचाने आया पर देश के सब लोगों को बचाने और अपने झुंड में या कलीसिया में मिलाने के लिए आया और सबों के लिए अपना प्राण दिया। वह पिता का प्यारा है क्योंकि वह पिता सा प्रेमी और देने वाला है और प्रेमी पिता की इच्छा को पूरा करता है। तो हम सब अपने अपने पापों से पश्चाताप कर, सच्चा पश्चाताप कर विश्वास के साथ प्रभु के पास आए और प्रभु पर हम अत्यधिक विश्वास करें, पूरा विश्वास उस पर रखें कि वही हमारा बचाने वाला है, उधार देने वाला है। तो प्रभु इस वचन से हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सत्यमान परमेश्वर पिता, तू अपने पुत्र यीशु ख्रीस्ट को हम सभी मनुष्य जाति के लिए, पापी मनुष्य जाति के लिए तूने उसको भेजा। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्ट हम सबों के लिए एक अच्छा चरवाहा है, अच्छा रखवाला है। प्रभु यीशु ख्रीस्ट तूने अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया है, हम तेरी बात सुनने और मानने को सिखा और हर देश से अपनी और भेड़ों को ला जिससे कोई भी हमारे साथ एक ही झुंड में एक ही रखवाले के अधीन हो जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा आमीन। आइए हम सभी मिलकर विश्वास वचन का अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सावलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
आइए हम इस भेंट के लिए और उसके साथ साथ अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट के लिए यह भेंट चढ़ाएं। प्रार्थना करें। हे सच्चा शक्तिमान पिता परमेश्वर, सबके आँखें तेरी बड़ ज्योति है और समय पर उन्हें आहार देता है। धन संपत्ति महिमा प्रतिष्ठा तेरी ही ओर से होती है। पिता परमेश्वर, हम तेरे दास दासी तुझसे पाकर जो कुछ भी हम सभी पाए हैं पिता परमेश्वर, उसमें से हम तुझको भेंट चढ़ाना चाहते हैं और इस भेंट पर अपनी आशीष उंडेल, इसे पवित्र कर ताकि तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करने पाएँ, और जिन हाथों ने इसे दिया है उन हाथों को भी भले कार्य करने के लिए सबल बनाए रख। तू जो पिता और पितरात्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है, आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें और इस विशेष प्रार्थना में हम उन सबों को स्मरण करेंगे जो इस सप्ताह में जितने भी जन्म दिवस के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, और जितने अपने वैवाहिक बस गांठ को स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जितने भी इस सप्ताह में प्रभु में सो गए हैं उन सभी प्रिय जनों के लिए भी हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सृष्टिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है और तूने अपने बड़ी दया से अपने इन प्रिय दास दासियों को जो अपने जन्म दिवस को स्मरण करते हैं तो उसको धन्यवाद हम सब मिलकर देना चाहते हैं। विशेष करके तूने पिता परमेश्वर इन सबों को और एक साल रखा है। गत वर्षों में तूने अद्भुत रीति से इन सबों की रक्षा रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने इन सबों के जीवन को सुपोषित किया है और इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति मिलकर तेरी पवित्र कलीसिया में करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इन सबों की ऐसा सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु इस नए साल में जिनमें वे सब तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं तेरा बड़ा प्रेम पहचान करके तुझ पर भरोसा रखे कि हर एक दुख और सुख के समय वह तेरी इच्छा के अधीन रहें। तू अपने अत्यंत अनुग्रह के उनकी अगुवाई कर और अपने निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में भी वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करें करते रहें और तुझे में समाप्त भी करें, और धन्यवादित हृदय से वह स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो अपने विवाह के वर्षगांठ को स्मरण करते हैं और तुझको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय जनों को पवित्र विवाह में प्रेम के बंधन में जोड़ा है। इन सबों की रक्षा रखवाली कर, इन सबों की मार्गदर्शन और रक्षा कर और इन सबों की सहायता कर कि वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें और निष्ठावान बने रहें।
इन सबों को अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर और जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इन सबों की आशाओं की पूर्ति होती रहे। इन सबों को दृढ़ विश्वास व धीरज प्रदान कर ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी इन सबों को दे कि आपसी सहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम उन सबों के लिए भी प्रार्थना करें, विशेष करके जो इस सप्ताह में प्रभु में सो गए हैं। हे सृष्टिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की प्रियाँ उत्पन्न होती है और मिट जाती है। हम तेरे उन सभी सेवकों के लिए और जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए हैं, विशेष करके तेरे उन दास दासियों के लिए, बच्चों के लिए भी तेरी स्तुति करते हैं कि तूने इन भाई बहनों को वे मरते समय तक भलाई और करुणा तूने की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व था उसके उपलब्धियों के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे शोक और रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, वे मृत्यु से पार हो चुके हैं और हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सदा सर्वदा रहेंगे। वर दे कि हम भी तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरे से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रिय जनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहां आनंद की परिपूर्ति है एक हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना में प्रार्थना की कमियों को पूरा करने के लिए प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी होए। मैं दिन भर की रोटी आज में दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ महिमा अब और सदा सर्वदा तेरी ही हो। आमीन। आइए हम सभी समापन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सब तेरा धन्यवाद फिर से करते हैं कि इस आराधना में तो हम सबों की अगुवाई सहायता प्रदान की है और हम सबों को तो ही अब तक सुरक्षित रखा है। सभी बातों के लिए और तेरे सब आशयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तेरे पवित्र वचनों को हम सब ने सुना और पिता परमेश्वर उन सभी वचनों पर हम ध्यान मनन कर सके हैं, इसके लिए पिता परमेश्वर तुझको धन्यवाद करते हैं, जिससे कि हम अपने हृदय में अधिकाई से फल प्राप्त करने पाएँ और तेरी महिमा अपने जीवन से या हमारे जीवन से तेरी ही होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति। जो समझ से परे हैं, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सत्यमय परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा के आशीष आप सबों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। 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 प्रभु आप सबों के साथ रहे और तेरे आत्मा के साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम में।
आमीन। सबों को यीशु सहाय।